1925 में आज ही के दिन मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पाडुकोण था। गुरुदत्त हिंदी फिल्मों में सबसे कमाल के कलाकारों में से एक माने जाते हैं। इनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में देखने को मिलती है। गुरुदत्त एक अच्छे नर्तक भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत प्रभात फिल्म स्टूडियो से बतौर कोरियोग्राफर के रूप में की थी। 1951 में गुरुदत्त की पहली फीचर फिल्म बाजी देवानंद की नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई। 1952 में उनकी दूसरी सफल फिल्म जाल बनी। 1953 में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी से बास फिल्म का निर्माण किया। प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद तथा साहब बीबी और गुलाम जैसी उनकी फिल्मों को नायाब हिंदी फिल्मों की सूची में रखा जाता है। टाइम पत्रिका ने प्यासा और कागज के फूल फिल्म को दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में जगह दी थी। गुरुदत्त अपनी फिल्मों में कैमरा और प्रकाश व्यवस्था के लिए भी जाने जाते थे। आज ही के दिन 1938 में मशहूर अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ था। इनका नाम हरिभाई जरीवाल था, लेकिन फिल्मी दुनिया में इन्हें अपने दूसरे नाम संजीव कुमार से ही जाना गया। फिल्मी दुनिया में संजीव कुमार ने नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र कलाकार सभी भूमिकाओं को निभाया। 1965 में रिलीज हुई फिल्म निशान से संजीव कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1960 से 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने स्मगलर, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनाहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। 1968 में रिलीज हुई फिल्म शिकार में वह पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी, फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कोशिश, शोले, अंगूर, त्रिशूल, पारस, अनामिका, खिलौना, शतरंज के खिलाड़ी, सीता और गीता, विधाता, दस्तक आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। संजीव कुमार को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। 1973 में आज ही के दिन बहामास में ब्रितानी साम्राज्य का अंत हुआ था। महारानी के प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार चार्ल्स ने 300 वर्ष पुराने उपनिवेश बहामास में आखिरी रात बिताई थी। 700 द्वीपों की संख्या वाले इस राष्ट्र की राजधानी नासाओ में रात 12 बजे के चंद मिनटों पहले ब्रितानी साम्राज्य का प्रतीक यूनियन जैक उतार लिया गया और उसकी जगह नासाओ का नीला काला सुनहरा झंडा लगाया गया। बहामास में ज्यादातर लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन स्थानीय गोरे लोगों ने इस समारोह का बहिष्कार किया था। देश की गोरी आबादी ये चाहती थी कि देश पर अंग्रेजी राज की हुकूमत कायम रहे। आज के दिन 2011 में अफ्रीका का सूडान देश 2 हिस्सों में बटा था। इसका दक्षिणी हिस्सा रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बना और उत्तरी हिस्सा सूडान ही रहा। कई देशों के बीच बसा दक्षिण सूडान मध्य पूर्व अफ्रीका का हिस्सा है और दुनिया का 193वां देश है। इसकी राजधानी जूबा है। इसके पूर्व में इथोपिया, दक्षिण पूर्व में केन्या, दक्षिण में युगांडा बसा है। दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा कांगो से, पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकी गणतंत्र और उत्तर में सूडान से लगी हुई है। दक्षिण सूडान की जनसंख्या 82,60,000 के करीब है और क्षेत्रफल में स्पेन और पुर्तगाल के कुल आकार से बड़ा है। ईसाई बहुल आबादी वाले इस देश में 4 भाषाएं लिखी और बोली जाती हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन दिनका, नुएर, बारी, मुरले, जांडे यहाँ की राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह देश धनी है। यहाँ कच्चे तेल के अपार भंडार है, लेकिन पाइपलाइनों के जरिए उत्तर सूडान से होकर तेल का निर्यात किया जाता है। यह देश शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है।
शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि 13 वर्ष की उम्र के ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 84% महिलाएं यहाँ असाक्षर हैं।